केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे से जुड़े कथित वीडियो के वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्म है। कांग्रेस इसको मुद्दा बनाते हुए भाजपा पर लगातार हमले कर रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक मंत्री तोमर हैं, उनके बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह करोड़ों रुपए की बात कर रहे हैं। वह किसके पैसे की बात कर रहे हैं? ये जनता का पैसा है। भाजपा के सभी मंत्री और मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में शामिल हैं। अब इस पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने एक्स पर लिखा, आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक टेम्पर्ड वीडियो मेरे बेटे से संबंधित वायरल किया गया है। ये एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है जो चुनाव के समय विपक्ष की ओर से आम लोगों को भ्रमित और गुमराह करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। मेरे पुत्र देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर ने पूर्व में इस तरह के झूठे वीडियो के संबंध में पुलिस जांच हेतु आवेदन भी किया था। मैं भी एक बार फिर इस वीडियो की CFSL जांच एजेंसियों से कराए जाने की मांग करता हूं, ताकि सच्चाई बाहर आ सके और साजिश का पर्दाफाश हो सके। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर ने दावा किया कि यह वीडियो फर्जी है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को दावा किया कि वीडियो में केंद्रीय मंत्री के बेटे कथित तौर पर करोड़ों रुपए के वित्तीय लेनदेन के बारे में बात करते सुने जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राहुल ने सवाल किया कि ईडी, सीबीआई और आईटी ने इन मामलों में जांच शुरू क्यों नहीं कराई। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र से जुड़े कथित वीडियो वायरल होने के मामले में एक नया वीडियो मीडिया के समक्ष रखते हुए कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां ईडी, आयकर विभाग, सीबीआई और नार्कोटेक्स विभाग अब तक सक्रिय क्यों नहीं हुआ, और कल ही एक नया वीडियो इस पूरे मामले में सामने आया था जहां पे एक व्यक्ति इन सभी बातों को दावा करता है कि बातें सच हैं और यहां पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कई करोड़ों रुपए का हेर फेर किया है।